स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, जिस वजह से शहरों और नगरों समेत ग्रामीण स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं इन दिनों नैनीताल जिला प्रशासन भी स्वच्छता अभियान पर ध्यान दे रहा है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड के काला ढूंगी नगर पंचायत की तो लगता है कि वह इस बात से अनजान है। आपको बता दें कि हर जगह स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं काला ढूंगी नगर क्षेत्र में जगह जगह पर कूड़े के ढेर मुंह चिड़ाते नजर आ रहे हैं। मामला बालिका इंटर कॉलेज और आदर्श प्राइमरी विद्यालय का है, जहां गेट के सामने कूड़े का ढेर लगा रहता है। यहां के छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि बच्चे स्वच्छता रैली निकालते हैं, लेकिन उन्हीं के विद्यालय के सामने लगे कूड़े के ढेर बच्चों का मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। आम नागरिक या फिर विद्यालय प्रशासन किससे शिकायत करे इस बारे में समझ नहीं आता। काला ढूंगी से मुकेश शिमवाल की रिपोर्ट। इतना ढेर सारा कूड़ा पड़ रहा था, जिसकी वजह से हमें बहुत गंदी स्मेल आती है, और बरसातों में इसकी वजह से हमारी पढ़ाई में बहुत गंद, क्लासेस में पढ़ते भी बहुत गंदी स्मेल आती है, और इससे बीमारियां भी हो सकती हैं बहुत सारी। हमारे गेट के पास नगर पंचायत के द्वारा एक कूड़ा इकट्ठा करने का बनाया गया है, जो हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और ये सितम्बर माह में हमारे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता रैलियाँ आदि निकाली जा रही हैं। हमारे विद्यालय में भी पॉलीथीन उन्मूलन पर काफ़ी रैलियाँ निकली हैं। बच्चे निस्तारण के लिए जो हमारा MRF सेंटर बनाया जा रहा है, नगर पंचायत जो EO है उनके साथ हमारे द्वारा कल बैठक की गई है, उसमें इस पर चर्चा हुई। तो एक जो उनके MRF सेंटर बनना है, उसके लिए हमने जगह चयनित करके उनको बता दिया है, और आगे की कार्रवाई इनके द्वारा की जाएगी। उसमें बाकी पॉलीथीन से और जो प्लास्टिक है, उस पर हमारी एक टीम बनी है, उसमें नगर पंचायत है, थाना है, और तहसील पूरे जॉइंटली इसमें कमेटी बना दी गई है, और उसमें लगभग डेली छापेमारी की कार्रवाई इसमें की जाएगी।